हेलो स्टूडेंट्स हम कंसंट्रेशन की डिफरेंट टर्म्स पढ़ चुके हैं उनके फार्मूले देख चुके हैं आज हम बातें करते हैं उन पे ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से ये मैंने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं एक एक करके इनको सबको सॉल्व करते हैं और हर एक फार्मूले को किस तरीके से न्यूमेरिकल में यूज़ करते हैं वो देखते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बात करना चाहूँगा ट्वेल्थ अपीयरिंग स्टूडेंट्स 12 बोर्ड्स न्यूमेरिकल कोई भी हो चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो सबसे पहला काम आपको करना है क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है वो लिखना है उसके मार्क्स में बता चुका हूँ हाफ मार्क्स उसका मिलेगा अपने को और क्वेश्चन में जो जो रिक्वायर्ड है वो सब हम फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाएगा अगर केवल क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो क्वेश्चन पढ़ने से सॉल्यूशन थोड़ा डिफिकल्टी समझ में आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर उस न्यूमेरिकल में जो भी वैल्यूज़ गिवन है वो पुट करते हैं और फार्मूला लिखते हैं तो बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं उस न्यूमेरिकल को तो सबसे पहले बात करते वन आंसर फर्स्ट कैलकुलेट द मासज ऑफ़ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ़ 25% W परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू शुगर सॉल्यूशन तो यहाँ जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टर्म अपने पास आ गया 25% W परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ट्वेंटी परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू वेट बाय वेट केन शुगर इन वॉटर तो अगर बात करते हैं वेट बाय वेट परसेंट की तो वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू टू हंड्रेड तो अगर मैं कहता हूं ट्वेंटी फाइव परसेंट वेट बाय वेट केन शुगर इन वाटर है तो इस 25 परसेंट का मीनिंग हो गया 25 ग्राम केन शुगर किसमें प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में बोलो इतना क्लियर है क्वेश्चन में गिवन है 25 फाइव परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इसका सबसे पहले हमने मीनिंग लिख लिया 25 ग्राम केन शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द मासेज ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 फिफ्टी ग्राम ऑफ सॉल्यूशन 250 फिफ्टी ग्राम किसका बनाना है 250 फिफ्टी ग्राम केन शुगर सॉल्यूशन बनाना है और अपने पास यहाँ पर क्या है 100 ग्राम सॉल्यूशन तो अगर मैं कहूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के लिए 100 ग्राम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ग्राम केन शुगर बोलो क्लियर है 25 परसेंट वेट बाय वेट था इट मीन्स 25 ग्राम केन शुगर इन 100 ग्राम सॉल्यूशन हो गया इस इट मीन्स 100 ग्राम सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है 25 ग्राम केन शुगर तो बताओ वन ग्राम सॉल्यूशन में कितना हो गया 25 फाइव 100 हंड्रेड ग्राम 100 ग्राम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 ग्राम केन शुगर देन वन ग्राम रिक्वायर्ड वन ग्राम सॉल्यूशन रिक्वायर्ड 25 फाइव 100 हंड्रेड ग्राम केन शुगर और अपने को सॉल्यूशन कितना बनाना है 250 ग्राम So, 250 gram solution required. How many grams of cane sugar? 25 by 100 into 250. You cancel out. You got 625 by 10, that is 62.5 gram. 250 gram solution may. अगर 62.5 ग्राम केन शुगर प्रेजेंट हो क्या प्रेजेंट हो केन शुगर तो अपने पास सॉल्यूशन कैसा बनेगा 25 परसेंट वेट बाय वेट क्वेश्चन में कह रहा है, कैलकुलेट द मासेज ऑफ केन शुगर तो केन शुगर की अमाउंट आ गई विच रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ये अपने पास केन शुगर आ गया अगर वाटर की रिक्वायर्ड अमाउंट बात करते हैं वाटर रिक्वायर्ड कितना है टोटल सॉल्यूशन है सॉल्यूशन 250 ग्राम सॉल्यूट कितना है 62.5 ग्राम तो सॉल्वेंट कितना होगा ये सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूट बोलो क्लियर है बहुत इजी क्वेश्चन था वेट परसेंटेज गिवन था मैं लिखता गया क्वेश्चन को सॉल्व किया आंसर आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं द डेंसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग थर्टीन परसेंट बाई मास थर्टीन परसेंट बाई मास ये भी थर्टीन परसेंट बाय मास का मतलब भी यहां पर क्या है वेट बाय वेट है ध्यान रखना है रिप्रेजेंटेशन पहले ऊपर था ट्वेंटी फाइव परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू यह हो गया थर्टीन परसेंट बाई मास ये भी क्या है वेट बाय वेट परसेंट द डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग थर्टीन परसेंट बाई मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज वन पॉइंट जीरो नाइन ग्राम पर एम एल कैलकुलेट द मोलेटी कैलकुलेट द मोलेटी एंड नॉर्मेलिटी ओके गिवन क्या डेंसिटी किसकी सल्फ्यूरिक एसिड की तो आंसर टू स्टार्ट कर रहे हैं आंसर टू सबसे पहले बात करते हैं अगर कर बोर्ड्स की तो मोलेरिटी का फॉर्मूला अपन लिख देते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस फोर डिजॉल्व इन सॉल्यूशन और प्रेजेंट इन सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये सबसे पहला काम अपना मोलरिटी पूछा मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलरिटी इन टू फैक्टर ये अपना फर्स्ट काम है सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में क्लियर फिर बात करते हैं गिवन क्या है थर्टीन परसेंट वेट बाय वेट या बाय मास एच टू एस फोर इसका मीनिंग लिख सकते हैं अपन क्या लिखेंगे थर्टीन ग्राम एच टू एस फोर इन हंड्रेड ग्राम वाटर हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन वाटर नहीं हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन वाटर लिखते ही तो सॉल्वेंट हो जाएगा गलत हो जाएगा अपने पास परसेंटेज में हमेशा नीचे सॉल्यूशन आएगा फिर बात करते हैं डेंसिटी डेंसिटी गिवन ना 1.09 ग्राम पर एम एल इट मीन्स वन एम एल सॉल्यूशन एच टी सॉल्यूशन का वेट अपने पास हो गया वन पॉइंट जीरो नाइन ग्राम क्लियर है डेंसिटी है वन पॉइंट जीरो नाइन ग्राम पर एम एल तो मैंने इसको लिखा वन एम एल एच एस सॉल्यूशन का वेट हो गया वन पॉइंट जीरो नाइन ग्राम अगर यहाँ तक हम सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को या मैं कह दूँ क्वेश्चन को यहाँ तक लिख लेते हैं तो अब ये न्यूमेरिकल करना बहुत बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है बहुत इजीली हम इस क्वेश्चन को इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं सब कुछ हमने लिख दिया है जो रिक्वायर्ड है और जो गिवन है अब केवल वैल्यूज फुट करनी है थोड़ी कैलकुलेशन करनी है सॉल्व कर सकते हैं करना है स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चाहिए अपने को नंबर ऑफ मोल्स क्या चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस फोर तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर एच टू एस फोर की अमाउंट कितनी गिवन है थर्टीन ग्राम एच टू एस फोर क्या गिवन है थर्टीन ग्राम तो अगर मैं कहता मोल्स ऑफ एच टू एस फोर कितने जाते हैं थर्टीन ग्राम अपॉन मोलर मास इसका नाइन्टी एट बोलो बात समझ में आ गई क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ एच टू एस फोर गिवन और रिक्वायर्ड क्या आपने को मोल्स ऑफ एच टू एस फोर तो मोल का फॉर्मूला लिखा वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास वेट इन ग्राम्स थर्टीन अपॉन नाइन्टी एट क्लियर ये मोल्स आ गए अपने पास खत्म पहला पॉइंट आ गया सेकेंड आपने को रिक्वायर्ड है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो यहाँ जो तुमने रिप्रेजेंट किया है गिवन कंडीशंस को 100 ग्राम सॉल्यूशन तुम्हारे पास है सॉल्यूशन का मास तुम्हारे पास है और सॉल्यूशन की डेंसिटी तुम्हारे पास है सॉल्यूशन का मास भी है और सॉल्यूशन की डेंसिटी भी है लेकिन रिक्वायर्ड क्या है अपने को सॉल्यूशन का वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड लेकिन गिवन क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास की है डेंसिटी की है और अपने को चाहिए क्या वॉल्यूम तो सिंपल सी बात है मैं लिखूँगा डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम रिक्वायर्ड है मेरे को वॉल्यूम तो वॉल्यूम हो गया मास अपॉन डेंसिटी मास कितना गिवन है 100 ग्राम डेंसिटी कितनी गिवन है 1.09 ग्राम पर एम तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया ये मेरे पास वॉल्यूम कितना आ गया 100 अपॉन 1.09 मिलीलीटर में लेकिन यहाँ वॉल्यूम किस में चाहिए लीटर में चाहिए तो इस मिलीलीटर को लीटर में चेंज करेंगे कैसे करेंगे डिवाइड बाय थाउजेंड ये हो गया वह, क्या लीटर मिलीलीटर में वॉल्यूम गिवन है डिवाइड बाय थाउजेंड किस में चेंज हो गया लीटर में इसको सॉल्व कर सकते हैं ये कितना हो गया वन अपॉन टेन पॉइंट नाइन लीटर क्लियर है अब तुम्हारे पास मोल्स ऑफ तो एच टू एच ऑफ फोर है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है वन अपॉन टेन पॉइंट नाइन अब बताओ क्वेश्चन करना इजी है कि नहीं है कुछ ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो गया मोल्स चाहिए थे मोल्स है वॉल्यूम चाहिए वॉल्यूम है तो मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम योग मोल्स योग वॉल्यूम इन लीटर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं आंसर आ जाएगा फिर बात करते हैं नॉर्मेलिटी फाइंड करनी थी तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर और एच टू एस का वैलेंसी फैक्टर है टू ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसको टू से मल्टीप्लाई करते क्या जाएगी नॉर्मेलिटी इजी था क्वेश्चन क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलेरिटी ऑफ प्योर वाटर प्योर वाटर की क्या चाहिए मोलेरिटी तो अगेन मोलेरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम इन लीटर अब यहां मैं सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा क्योंकि प्योर वाटर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है प्योर वाटर इसलिए मैं टर्म खा गया यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन प्योर वाटर का क्या वॉल्यूम क्या उसको प्योर वाटर को क्या सॉल्यूशन बोलेंगे क्या तो आंसर है नहीं इसलिए अपन वॉल्यूम लिख देते हैं यहाँ पे टोटल वॉल्यूम किसका प्योर वाटर का क्या कितना यहां हमको हिंट गिवन है डेंसिटी इक्वल्स टू वन ग्राम पर एम एल क्या गिवन है डेंसिटी इक्वल्स टू वन ग्राम पर एम एल ये गिवन है यानी एक एम एल एच टू का वेट हो गया वन ग्राम एक एम एल एच टू का वेट कितना हो गया वन तो मैंने क्या बताओ थाउजेंड एम एल अगर वाटर लेते हैं तो उसका वेट कितना होता थाउजेंड ग्राम क्लियर है हम जिसकी बात कर रहे हैं उसका वॉल्यूम चाहिए और उसी का मोल्स चाहिए मैंने ले लिया वन लीटर वाटर क्या ले लिया वन लीटर वाटर और वन लीटर वाटर का वेट है थाउजेंड ग्राम तो इसमें क्या मोल्स निकाल सकते हो मोल्स ऑफ वाटर मोल्स ऑफ वाटर किसमें मोल्स निकालने हैं वन लीटर वाटर में तो वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास 18 दैट इज़ 55.5 ये अपने पास क्या आ गए मोल्स ऑफ वाटर क्या आ गए मोल्स ऑफ वाटर और ये मोल्स ही कितना सॉल्यूशन या कितना वाटर बना रहे सॉल्यूशन ही बोलेंगे वाटर कितना है वन लीटर क्लियर है तो मेरे पास मोल्स कितने आ गए यहाँ पर मोल्स आ गए फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव क्लियर है मोल्स आ गए 55.5 और वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कितना है वन लीटर ये मूल्स हो गए वाटर के और ये उसी वाटर का वॉल्यूम हो गया जिसमें ये वाटर के मोल्स प्रेजेंट है तो अपने पास आंसर क्या आया 55.5 फाइव एम ये अपने पास है मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर यहाँ सॉल्यूशन वर्ड यूज़ नहीं कर रहा हूँ बस क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर इसलिए मैं डिफाइन कर रहा हूँ डिफाइन तो सॉल्यूशन के लिए करना था लेकिन यहाँ क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है तो जो क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है उसी अकॉर्डिंग आंसर देंगे तो मोल्स ऑफ वाटर इन वॉल्यूम ऑफ वाटर क्लियर है इसलिए मैंने फॉर्मूला इसी फॉर्म में लिखा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर वॉल्यूम किसका इसी वाटर का या मैं कह दूं मोल्स ऑफ एच टू ओ कह लो एंड वॉल्यूम ऑफ एच टू ओ तो हम फॉर्मूले को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस क्योंकि अपने पास हाइड्रेटेड या क्रिस्टलाइन फॉर्म भी है सोडियम कार्बोनेट का एन ए टू सी ओ थ्री डॉट एन एच टू नोनेज वॉशिंग सोडा तो इसलिए मोलर uh, मास में ये इफ़ेक्ट आता है इसलिए डिफाइन होना चाहिए कि वो अगर सॉल्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म में या हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है तो कंडीशन हमेशा ऐसी होगी कि एनहाइड्रस और क्रिस्टलाइन ये गिवन होना कंपलसरी कंडीशन है न्यूमेरिकल्स में यहां मैंने दे रखी है एनहाइड्रेस तो एनहाइड्रस मीन्स अपने पास सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला केवल क्या लिखेंगे एन थ्री चलो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू फिफ्टी एम एल एम बाय टेन इसकी मोलरिटी कितनी है वन बाय टेन गिवन है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना किएने टू फिफ्टी एम तो मोलरिटी का क्वेश्चन है तो मोलरिटी का फॉर्मूला लिखूंगा मैं मोलरिटी का फॉर्मूला है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिकुलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर न्यूमेरिकल करना बहुत इजी होता है इफ़ यू आइडेंटिफाई द फॉर्मूला यूज इन द क्वेश्चन एंड द गिवन टर्म्स और वैल्यूज़ यूज इन दैट फार्मूला टू ईजी टू सॉल्व और पूरे मार्क्स मिलते हैं न्यूमेरिकल के तो सबसे इजी क्वेश्चन न्यूमेरिकल होता है एक फार्मूला लिखो वैल्यूज फुट करो सॉल्व करो आंसर और पूरे मार्क्स कुछ दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा तो मोलोरिटी कितनी गिवन है वन बाय टेन वेट इन ग्राम्स कैलकुलेट करना है मोलर मास एन टू सी थ्री का ट्वेंटी थ्री इंटू टू प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन इंटू थ्री ये वन जीरो सिक्स ये हो गया फोर्टी सिक्स और ये हो गया सिक्सटी सिक्सटी और फोर्टी सिक्स वन जीरो सिक्स मोलर मास हो गया वन जीरो सिक्स ये वन जीरो सिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो वॉल्यूम कितना की वन टू फिफ्टी टू फिफ्टी का मतलब क्या टू फिफ्टी बाई थाउजेंड का मतलब क्या वन बाय फोर लीटर यहाँ पुट कर दूँ वन बाय फोर क्लियर है अब अपने को रिक्वायर्ड क्या है वेट इन ग्राम्स ये रिक्वायर्ड है क्या करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अरे है ना तो मैंने करा वन बाय ट इंटू वन जीरो सिक्स इंटू वन बाय फोर या क्या वेट ऑफ एन ए टू सीओ थ्री इन ग्राम्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर टू फिफ्टी एम एल एम बाई टेन सॉल्यूशन ईजी है क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सोल्यूशन कंटेन्स फोर हंड्रेड टेन पॉइंट थ्री ग्राम ऑफ H2SO4 टू एस पर लीटर एच टू ग्राम ये तो एच टू एस एफ फोर है और सॉल्यूशन कितना गिवन है सॉल्यूशन है वन लीटर पर लीटर है ना तो वन लीटर अपने पास सॉल्यूशन हो गया टेम्परेचर ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड है इफ द डेंसिटी इज वन पॉइंट फोर थ्री वन पॉइंट डेंसिटी कितनी क्यून है वन पॉइंट टू फोर थ्री ग्राम पर एम एल वॉट विल बी इट्स मोलरिटी एंड मोलिटी तो मोलेरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ Solution इन लीटर मूल्य लिटर का फॉर्मूला मूल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स सबसे पहला काम फार्मूला लिखने का है अब जो जो अपने को गिवन और जो जो रिक्वायर्ड है वो सब अपन सॉल्व करते आते हैं लिखते आते हैं सबसे पहले अपन बात करते हैं moles ऑफ सॉल्यूट तो मोल्स ऑफ H2SO4 कितना हो गया मोल्स ऑफ H2SO4 बोलो कितना हुआ ये आंसर फाइव। मोल्स ऑफ H2SO4 वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास ये आ गए अपने पास मोल्स ऑफ H2SO4 क्लियर ये अपने पास हो गया ये अपने पास हो गया मोल्स आ गए अब अपने को चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर तो मोलरिटी तो सॉल्व हो गई मोल्स तो आ गए 410.3 हंड्रेड टेन पॉइंट थ्री अपॉन नाइनटी वन ये तो आंसर ही आ गया किसका मोलरिटी अब बात करते किसका आंसर चाहिए मोलेरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स तो मोल्स तो अपने पास है 410.3 अपॉन 98 अब अपने को रिक्वायर्ड है मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे सॉल्व करेंगे ये क्या गिवन है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है वन लीटर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन? वन पॉइंट टू फोर थ्री ये हो गया थाउजेंड ग्राम पर एम ऐसा क्यों करा यूनिट सेम रहनी चाहिए हर न्यूमेरिकल में जो भी टर्म्स यूज कर रहे हैं उनकी यूनिट्स सेम सिस्टम है ऐसा सिस्टम या सी जो भी यूज कर रहे हो सेम रहनी चाहिए अब डेंसिटी अपने पास थी मास अपॉन वॉल्यूम अपने को चाहिए मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन तो मास ऑफ सॉल्यूशन एम इक्वल टू क्या हो जाएगा डी इंटू वी डेंसिटी कितनी है वन पॉइंट टू फोर थ्री वॉल्यूम कितना हो गया वन थाउजेंड डी इन टू वी करते ही अपने पास आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स क्लियर है यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं ये अपने सॉल्व कर लेते वन टू फोर थ्री ग्राम्स सॉल्यूशन रिक्वायर्ड क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया अपने पास वन टू फोर थ्री मास ऑफ सॉल्यूशन वन टू फोर थ्री और मास ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट मीन्स एच टू एस एफ और कितना की वन है फोर हंड्रेड टेन पॉइंट थ्री ग्राम इसको माइनस करते हैं अपन वन टू फोर थ्री में से फोर टेन पॉइंट थ्री माइनस कर दें आ गया एट थर्टी टू पॉइंट सेवन ग्राम इसको अगर किलोग्राम्स में अगर बात करते हैं तो डिवाइड बाय थाउजेंड ये आ गया मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आया किलोग्राम्स में अब शायद क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स कितने अपने पास

एट थर्टी टू पॉइंट सेवन अपॉन थाउजेंड यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी आगे मल्टीप्लाई डिवाइड अपन कर सकते हैं बहुत इजी क्वेश्चन था केवल वैल्यूज जैसी इसलिए कैलकुलेशन बड़ी है अदरवाइज़ क्वेश्चन में कोई दम नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा सिक्स्थ क्वेश्चन क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ 2.03 पॉइंट एम कैपिटल है मीन्स मोलेरिटी मोल्स पर लीटर अपने को गिवन है सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड इन वाटर और डेंसिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 1.017 ग्राम पर एमएल कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मोलेलिटी फाइंड करनी है तो सबसे पहले मोलेरिटी मोलेरिटी का फॉर्मूला लिख देते हैं मोलेरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये अपने पास हो गया मोलेरिटी और मोलेरिटी की मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स ये दोनों फॉर्मूले लिख लिए अब बात करते हैं मोलरिटी कितनी की है 2.03 तो इसका मतलब क्या इतने मोज किसमें हैं वन लीटर के अंदर इतने मोल्स किसके एसिडिक एसिड के हैं किसमें सॉल्यूशन में बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई ये इन्फॉर्मेशन की है जिसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ मोलेरिटी कितनी की है 2.03 इट मींस 2.03 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड प्रेजेंट इन वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हो गया अपने पास 1.017 पॉइंट ग्राम पर एम क्लियर यहाँ सॉल्यूशन कितना है वन लीटर तो मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये हो गया वन लीटर या मैं कह दू वन थाउजेंड मिली लीटर मास ऑफ सॉल्वेंट अपने को चाहिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास है तो डी इक्व टू तो एम अपॉन वी तो यहां से हो गया m इक्व टू डी इन टू वी इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या कर दें डी इंटू वी डी कितना है वन पॉइंट जीरो वन सेवन ग्राम पर एम एल इंटू वॉल्यूम हो गया वन थाउजेंड एम एल एम एल से एम एल गया ये हो गया वन जीरो वन सेवन ग्राम सॉल्यूशन यहाँ तक समझ में आ गया ये सॉल्यूशन अपने पास आ गया लेकिन अपने को चाहिए क्या सॉल्वेंट, क्या चाहिए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर देंगे सॉल्यूट कितना अपने पास बताओ ये गिवन है 2.03 मोल्स एसिडिक एसिड 2.03 मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड तो सी एस थ्री सी ओ ओ एच अपने पास हो गया 2.03 मोल मोल का फार्मूला होता है वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिकुलर वेट तो 2.03 पॉइंट जीरो थ्री इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिडिक एसिड इज सिक्सटी तो वेट ऑफ सी एस थ्री सी ओ ओ एच कितना आ गया टू पॉइंट ज़ीरो थ्री सिक्सटी किस में आ गया ये ग्राम्स में आ गया बोलो क्लियर है अगर मैं बात करता हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दें टू पॉइंट ज़ीरो थ्री तो ट्वेंटी पॉइंट थ्री इंटू सिक्स ये आ गया 121.8 ग्राम्स क्लियर मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास है क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूट तुम्हारे पास आ गया सॉल्यूशन भी है सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट निकालना है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया वन ज़ीरो वन सेवन माइनस वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट ये किस में आ गया ग्राम्स में अगर मैं इसको थाउजेंड से डिवाइड कर दूँ वन ज़ीरो वन सेवन माइनस वन ट्वेंटी वन पॉइंट एट डिवाइड बाय थाउजेंड ये किस में बन जाएगा किलोग्राम्स में क्या मास ऑफ सॉल्वेंट? अगर बात करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपने पास है 2.03 ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया क्लियर और मास ऑफ सॉल्वेंट अपने पास आ गया 1017 ज़ीरो वन सेवन माइनस वन डिवाइड बाय थाउजेंड ये थाउजेंड यहाँ आ गया आगे क्या करना है कैलकुलेशन कैलकुलेशन करो सॉल्व आंसर आ जाएगा तो ये अपन ने कुछ न्यूमेरिकल्स देखें और न्यूमेरिकल्स देखेंगे पहला काम फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार रिपीट कर रहा हूं फॉर्मूला लिखना है गिवन टर्म्स गिवन वैल्यूज़ को सबसे पहले लिखना है देन आइडेंटिफाई करना है कि हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें तो केवल फॉर्मूले में जो जो रिक्वायर्ड है जो गिवन है उसको पुट करते जाएंगे एक अननोन बचेगा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा क्लियर है